हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार यूवी कॉम्पिटिशंस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जीके, जो आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अपडेट्स हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज 23 जनवरी 2019 वार बुधवार की हम बात करते हैं। साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए आपने हमारा चैनल यूवी कॉम्पिटिशंस सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कॉम्पिटिशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही साथ यदि आप राजस्थान जी की और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के इच्छुक हैं तो अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ करंट अपडेट्स, रिक्रूटमेंट नोटिस, क्विज और हेल्प सेंटर के लिए आप यूवी कंपटीशन जो कि इंस्टाग्राम पेज है वहां पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज, राष्ट्रीय समाचारों की। इंडिया एंड श्रीलंका साइंड एन MOU टू प्रोवाइड मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज टू स्वामी विपुलानंद इंस्टीट्यूट ऑफ एस्थेटिक स्टडीज ऑफ एस्टर्न यूनिवर्सिटी इन बैटिका लोआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ श्रीलंका। भारत और श्रीलंका ने श्रीलंका के बटियाकोला जिले में पूर्वी विश्वविद्यालय के स्वामी विपुलानंद इंस्टीट्यूट ऑफ एस्थेटिक स्टडीज को आधुनिक अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट, इंडिया स्टील 2019 एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस हैड बिगन इन मुंबई। द 3-day इवेंट ऑर्गेनाइज बाई द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील हेल्प्ड चार्ट आउट द फ्यूचर ग्रोथ पाथ ऑफ द स्टील इंडस्ट्री। स्टील इंडिया स्टील 2019 प्रदर्शनी और सम्मेलन की मुंबई में शुरुआत हो गई है। इस्पात मंत्रालय द्वारा आयोजित यह 3 दिवसीय कार्यक्रम इस्पात उद्योग के भविष्य के प्रगति पथ की योजना बनाने में मदद करेगा। नेक्स्ट, डेल एज ए पार्ट ऑफ इट्स 3-city पॉलिसी हैक सीरीज होस्टेड एन इंटरेक्टिव हैकथॉन वेयर टीचर्स फोकस्ड ऑन दियर लर्निंग जर्नी इन न्यू दिल्ली। द इनिशिएटिव अलाउज द टीचिंग फ्रेटर्निटी टू कम अप विद सॉल्यूशंस फॉर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय टीचर्स इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लासरूम। डेल ने अपनी 3 शहर पॉलिसी हैक श्रृंखला के एक भाग के रूप में एक इंटरएक्टिव हैकथॉन की मेजबानी की, जहां शिक्षकों ने नई दिल्ली में अपनी सीखने की यात्रा पर ध्यान केंद्रित किया। यह पहल शिक्षण से जुड़े लोगों को कक्षा के अंदर और बाहर शिक्षकों के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान पेश करने की अनुमति देता है। आइए बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज, अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की। मेडागास्कर प्रेसिडेंट एंड्री राजो लीना हैज स्वॉन इंटो ऑफिसर आफ्टर टेकिंग द ऑथ इन एंटानारियो बिफोर 9 judges ऑफ द हाई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। मेडागास्कर के राष्ट्रपति एंड्री राजो इलिना ने उच्च संवैधानिक न्यायालय के 9 न्यायाधीशों के समक्ष एंटानारियो में शपथ लेने के बाद पद की शपथ ली। नेक्स्ट, चाइना इकोनॉमी ग्रू एट 6.6% इन 2018, इट्स स्लोवेस्ट रेट इन ऑलमोस्ट 3 decades. द वर्ल्ड सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी वाज ग्रैपलिंग विद द इफेक्ट्स ऑफ द करंट ट्रेड वार विद द US एंड डिक्लाइंग एक्सपोर्ट्स। चीन की अर्थव्यवस्था 2018 में 6.6% की दर से बढ़ी। लगभग 3 दशकों में इसकी सबसे धीमी दर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका के साथ मौजूदा व्यापार युद्ध के प्रभाव और निर्यात में गिरावट से जूझ रही थी। नेक्स्ट बात करते हैं अवार्ड पुरस्कारों की। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम वेंकैया नायडू प्रेजेंटेड द सेकेंड छत्र विश्वकर्मा अवार्ड टू स्टूडेंट एंड देयर मेंटर्स एंड संसद आदर्श ग्राम योजना SAGY अवार्ड टू इंस्टीट्यूशंस एट एन इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE इन न्यू दिल्ली। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने नई दिल्ली में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE द्वारा आयोजित एक समारोह में छात्रों और उनके गुरुओं को द्वितीय छत्र विश्वकर्मा पुरस्कार और संस्थानों को संसद आदर्श ग्राम योजना पुरस्कार प्रदान किए।
नेक्स्ट यूएस बेस्ड इंडियन पोएट रंजानी मुरली वाज अवार्डेड द वुमेन्स वॉइस अवार्ड एट द एपीजे कोलकाता लिटरेसी फेस्टिवल AKLF. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द अवार्ड इज रिकॉग्नाइज एंड एनकरेज क्रिएटिव राइटिंग बाई वुमेन इन इंडिया. द अवार्ड कैरिड ए कैश प्राइज ऑफ 1,00,000 rupees अलॉन्ग विद ए किटेशन. यूएस बेस्ड इंडियन कवि रंजनी मुरली को APJ कोलकाता लिटरेरी फेस्टिवल में वुमेन्स वॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया. पुरस्कार का उद्देश्य भारत में महिलाओं द्वारा रचनात्मक लेखन को मान्यता देना और प्रोत्साहित करना है. पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र के साथ 1,00,000 rupees का नगद पुरस्कार दिया गया. नेक्स्ट विराट कोहली हैज बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन हिस्ट्री टू विन द सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी फॉर ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर. द ICC मैंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर एंड द ICC वन डे प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉलोविंग एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी 2018. विराट कोहली 2018 में अपने बेहतरीन प्रदर्शन के बाद ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ICC मैन टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर और ICC वन डे प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीतने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए हैं. नेक्स्ट जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च अनाउंस्ड दैट द सेंटर फॉर एडवांस्ड मटेरियल्स ऑफ द यूनाइटेड अरब अमीरात UAE चूज एमिनेंट साइंटिस्ट एंड भारत रत्न रेसिपियंट CNR राव फॉर द फर्स्ट सिख सौद इंटरनेशनल प्राइज फॉर मटेरियल्स रिसर्च. जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च ने घोषणा की है कि अरब अमीरात UAE के सेंटर ऑफ एडवांस्ड मटेरियल ऑफ एडवांस्ड ने प्रख्यात वैज्ञानिक और भारत रत्न प्राप्तकर्ता CNR राव को मटेरियल रिसर्च के लिए पहले शेख सईद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना है. नेक्स्ट रैंकिंग रिपोर्ट इंडिया इज अमंग द मोस्ट ट्रस्टेड नेशंस ग्लोबली व्हेन इट कम्स टू गवर्नमेंट बिजनेस NGOs एंड मीडिया. द 2019 एडलमन ट्रस्ट बैरोमीटर रिपोर्ट नोटेड दैट द ग्लोबल ट्रस्ट इंडेक्स विटनेस्ड ए मार्जिनल इंक्रीज ऑफ 3 points to 52. चाइना टॉप्ड द ट्रस्ट इंडेक्स अमोंग बोथ द इन्फॉर्म्ड पब्लिक एंड द जनरल पॉपुलेशन सेगमेंट. सरकार व्यापार गैर सरकारी संगठनों और मीडिया की बात करें तो भारत विश्व स्तर पर सबसे भरोसेमंद देशों में से है. 2019 एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर की रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्लोबल ट्रस्ट इंडेक्स 3 अंकों की वृद्धि के साथ 52 पर पहुँच गया. सूचित जनता और सामान्य जनसंख्या दोनों क्षेत्रों में विश्वास सूचकांक में चीन सबसे ऊपर है. नेक्स्ट और लास्ट न्यूज बिजनेस न्यूज व्यापार समाचार. माइक्रोसॉफ्ट इंडिया हैज लॉन्च्ड ए न्यू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म rewave.in फॉर हैंडलूम वेवर्स अंडर इट्स प्रोजेक्ट रिव्यू पार्ट ऑफ इट्स फिलान्थ्रोपिक इनिशिएटिव्स. माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने अपने लोकहितैषी पहलों के हिस्से के तहत प्रोजेक्ट रिव्यू के तहत हथकरघा बुनकरों के लिए एक नया ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है. तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि आपके करंट अफेयर्स है. सभी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करें, जो भी क्वेरी या क्वेश्चन कमेंट करें और UV कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू सो मच. धन्यवाद. आपका दिन शुभ हो.